वेलकम टू डे टू। आज है दूसरा दिन हमारे दिल्ली एक्सप्लोरेशन का पार्ट टू है ये, और अभी हम लोग जा रहे हैं साउथ दिल्ली में अप्रोचिंग टुवर्ड्स कुतुब मीनार। सुबह सुबह से हम लोग निकले थे, टाइम है हमारे पास में थोड़ा, तो घूमने के लिए जा रहे हैं हम। कुतुब मीनार सर एक्सप्लोर नहीं किया था, वो देखेंगे अभी, फिर उसके बाद में कहाँ जाएंगे, तो विल बी गोइंग टू छतरपुर, फिर उसके बाद में वापस से मुझे जाना होगा करोल बाग। ये सारा गुड़गांव जाने का ट्रैफिक है। कल संडे था, कल बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, आज ट्रैफिक स्टार्ट हुआ है। और कायदे से हमारी सिटी में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। वीकेंड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और वीकडेज में कम होता है। मैं उल्टा रहता हूँ। हाँ, कुछ खास बहुत ऊपर नहीं है, 1000 साल पहले के लिए इतना ऊंचा काफी था। हाँ, वो भी है। सेल्फी लगी हो? चलो बाय, गुड नाइट बेटे, विल कैच यू अपॉन द वे। गैलरी आजकल मिलती नहीं है। सेव द गैलरी। और फाइनली आ चुके हैं कुतुब मीनार। फाइनली हमें एंट्री मिल गई है कुतुब मीनार पे। एक बंदा चूते बना रहा था हमें कि 12 बजे के बाद खुलेगा। पीछे अगर देख सकते हो, इनके रेज्यूमे आप देख सकते हैं, इनके रेज्यूमे बहुत सारे रेज्यूमेज हैं। लेट मी शो यू रेज्यूमे। मीनार मॉन्यूमेंट, अदर मॉन्यूमेंट्स, फक ऑफ, नो एंट्री, कुतुब कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ पे। कुतुबुद्दीन अंकल ने बनाया ना ये? कुतुबुद्दीन अंकल ने बनाया यार। कुछ ज़्यादा इतना भी ऊँचा नहीं जितना बुक्स में दिखाते हैं। हाँ, तो जो बुक में फोटो खींचे रहते हैं ना ऐसे यूं करके, सोशल साइंस की बुक्स में नीचे से खींचते तो लगता है वो बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। पहले तो इसको आप ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, बंद कर दिया उन्होंने। लोग ऊपर से सुसाइड कर लेते ना, सुसाइड करने का ऑप्शन उनको खराब बहुत कर देते। ये क्या चीज़ है? कुतुबुद्दीन भाई जब ऐसे खाना खाने के बाद में टहलते थे तो ये वैसे टहला करते टहलने के लिए। ओके, पर इतनी ऊंचाई तो बनाया कैसे होगा? 1000 साल पहले, 1000 साल तो होगा इसका, 1000 साल होगा। वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, पूरी दुनिया से आते हैं लोग देखने के लिए। यार ये चीज़ बहुत अच्छी, पता अपने फोटोज बहुत अच्छे मिलेंगे अभी क्योंकि क्राउड कम है ना। खींचो ना, है ना, तुम आइडियाज लो उस पर बैठ के। कुतुब मीनार वाले यार, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, इस पर कुछ लिखा हुआ है अरबी, अरबिक में बताओ। अरबिक पढ़ के क्या लिखा है? अरबिक तो आती है लेकिन किताबों वाली आती है, पत्थर वाली नहीं आती। ला, 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 लिखा तो एक ही है ना। मैं बताऊँ क्या लिखा ऊपर? निम्डा डोजरस टेल मी हर तबूस क्रा कोई कि निम्बूमला मोहिनो जुकू लोहा कुए। And we are entering the other side. ये क्या चीज़ है? Yes. हाँ? कुछ TikTok पे जाते हैं यहाँ पे पा सकते हैं कुछ रील्स। देखो दो प्रीति अभी दिख रहे हैं, प्रीति वाले को कपल्स एवरीवेयर, मतलब आप इनको ऐसा कपल गोद में रख सकते हो। इन्होंने टी शर्ट भी सेम कलर की पहनी है, जीन्स भी सेम कलर की पहनी है, और इन्हें शूज भी सेम। यार ये जगह बहुत शानदार दिख रही है इसमें। इधर से क्या लुक आ रहा है इसका? इधर से दिखता है वो कुतुब मीनार का जो फोटो है ना, ऐसे दिखता है ना। हाँ, क्या व्यू है इधर से, शानदार वाला। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज कुतुब मीनार राइट बिहाइंड मी। और दिल्ली मेरा आना आज ऐसे हुआ कि मैं नहीं बताऊंगा।
ये कौन सी जगह है? इधर वांटेड की शूटिंग इधर ही हुई थी क्या? नहीं, यार इलाका वैसे लग रहा ना कुछ, इलाका बिल्कुल ऐसे लग रहा है, सही कह रहा है। बट पर था नहीं है वो। क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे कि मजा नहीं आ रहा कुतुब मीनार के अंदर, खास कुछ क्राउड नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, आंटी वंटी दिख रही है, मैं इधर फोटो खींच रही है, छोटे मोटे कपल बैठे हुए हैं, एक दूसरे को सेब खिला रहा है, सेब को चीयर्स कर रहे हैं लोग, सेब लेके से बोले भाई कपल, बोले कपल बोल के अंदर सब कुछ लॉजिकल है, आप सेम टी शर्ट पहनो तो कपल बोल है, आप राइट में देखो तो आईब्रो में पसीना बहुत आ रहा है, आप राइट में देखो तो भी कपल बोल है, बाकी जगह तो देखने लायक है यार। हाँ ये किसका मकबरा है? इसमें भी अरबिक लिखी है, पढ़ के दिखाओ। अरे भाई क्या आर्किटेक्चर है यार, एक एक नक्काशी कितनी शानदार की हुई उन्होंने, एक एक पिलर पे डिजाइन बनाई हुई है, कितनी शानदार। मेन चीज तो ये देखो अंकल की तोंद, हेरिटेज साइट तो यही है। क्यों आ रही भाई? अंकल सिड्यूस कर रहा है यहाँ पे आने वाले लड़के। विद दैट बीइंग सर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। कर लिया भाई, अमेरिका के व्लॉग बनाएंगे ये भाई साहब। वीडियो वगैरह देख रहे हो तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, चैनल में कमेंट करा कि नहीं अभी तक, मेरे को बता दो। कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी कर देना। सो कुतुब मीनार इज डन, बाजी का काम भी हो गया, शॉपिंग कर लिया हमने, ये वाला शूट कर नहीं पाया था एक्चुअली क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो गया, अभी 3 बजे मुझे निकलना है एग्जैक्टली, और अभी 1:30 बज चुकी है और ट्रैवलिंग टाइम मेरा रहेगा 1.5 घंटे का। मेट्रो स्टेशन आने में थोड़ा सा लेट हो गया और मेट्रो अभी निकल गई, अभी नेक्स्ट वाली का वेट करना है। ऑलराइट, सो अभी हरीफ भाई के जाने का वक्त हो गया, थैंक यू फॉर अकॉम्पनिंग अस। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ है, ट्रेन मिस हो गई, बट गुड न्यूज़ ये है कि आज ही दूसरी एक और ट्रेन अवेलेबल थी 8 बजे की, वो बुक कर दिए मैंने, और फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से फ़ोन चार्ज हो गया अभी। ठीक है, दिल्ली घूमने का थोड़ा सा और समय मिल गया, लेट्स गो समवेयर, एक्सप्लोर दिल्ली। अभी आया हूँ मैं करोल बाग में, करोल बाग की गलियों से देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं, करोल बाग के क्लॉथ मार्केट में। आई वाज नॉट एबल टू फोकस, दिस इज करोल बाग का क्लॉथ मार्केट, और इधर बीच मार्केट में मैं फ़ोन इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि फ़ोन यहाँ पे गायब हो जाते हैं, फ़ोन उड़ा के ले जाता है पता नहीं चलता लोगों को, सो इट्स बेटर टू शूट इट फ्रॉम अ सेफ साइड, इसलिए मैं इधर कॉर्नर में आके शूट कर रहा हूँ टू शो यू द रियल व्यू। यार कैमरे के पता नहीं क्या हो रहा है, सो करोल बाग इज डन और खाना वाना पैक हो गया, इधर गेट इन टू माई ट्रेन जो कि 8 बजे आने वाली है, 8:30 बजे। सो फाइनली अभी पता चला कि जो ट्रेन है वो 2 घंटा लेट है, 8:30 बजे जो आने वाली थी वो 10:30-11 बजे तक आएगी। इधर आके एसी लाउंज में बैठ जाता है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, एसी रेस्टरूम में, काफ़ी अच्छा है यार इधर, एटलीस्ट दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी नॉर्मल टेम्परेचर से लग रहा है यहाँ पे एसी चल रहा है उसके बावजूद, दिस इज रियली गुड जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलराइट, सो रेलवेज नीड्स टू रियली सॉल्व दिस थिंग आउट,
कि 3 घंटे हो चुके हैं, मैं 3 घंटे वेटिंग रूम में बैठा रहा, उसके बाद मैं अभी प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। 11:15 बजे आने वाली थी ट्रेन, अभी 11:30 हो रहे हैं यहाँ पे और स्टिल द ट्रेन इज नॉट अराइविंग। आधा घंटा एक घंटा बहुत हो गया, 3.5 घंटे से ऊपर डिले। व्हाट इज दिस इज सो रिस्पॉन्सिबल। मच लेटर फाइनली इट हैज अराइव। Finally back to Mahoo. काफी लेट कर दिया ट्रेन में, जो 2:30 बजे आने वाली थी 4 बजे पहुंचा रही है मैं। The journey ends here. With that being said, for watching this video till the end, hope you enjoyed it. If you did, make sure to give it a thumbs up and subscribe to the channel if you haven't already. I'll catch you in the very next one. Thank you, bye.